जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक इंटरव्यू की। एक कंपनी के सेल्समैन की इंटरव्यू था, तो वो बंदा इंटरव्यू में चला गया। जैसे ही उसको बुलाया गया तो वो इंटरव्यू लेने वाले की परमिशन लेकर उसके आगे वाली सीट पर जाकर बैठा। और इंटरव्यू लेने वाला कुछ अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। वो जैसे ही बैठा तो वो इंटरव्यू लेने वाले को बोला कि सर, मैं आपकी कंपनी में सेल्समैन बनना चाहता हूँ। तो इंटरव्यू लेने वाला बोला उसे कि आप क्या बेच सकते हो, कुछ बेच सकते हो तुम? तो वो बंदा बोला कि सर, आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या बेच के दिखाऊँ? तो वो इंटरव्यू वाला बोला कि ये मेरा लैपटॉप है, ये लेके जाओ और बाहर से फिर से एक बार अंदर आओ और ये लैपटॉप मुझे बेच के दिखाओ। तो वो बंदा वो लैपटॉप लेके चला गया। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, लगभग एक घंटा हो गया, वो बंदा वापस ही नहीं आया। तो वापस ही नहीं आया तो उस डॉक्यूमेंट से कुछ उसने उसका नंबर पता कर लिया और उस नंबर से कॉल किया उस बंदे को, बोला कि भाई कहाँ हो तुम, वो मेरा लैपटॉप वापस लेकर आओ, उसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, मेरी शादी की तस्वीरें थी, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट था उसमें। तो वो इंटरव्यू लेने वाला कि कितना दोगे भाई आप इसका, आप बोलो इसकी कीमत कितनी होगी? तो वो इंटरव्यू लेने वाला कि भाई जो मांगोगे दे दूंगा, मुँह मांगी कीमत दे दूंगा, फिर बस वो मेरा लैपटॉप मुझे एक बार वापस ला के दो। तो दोस्तों, आपके पास जो भी है, जो सामान हो, कुछ प्रोडक्ट हो, आपके पास जो नॉलेज हो, वो सामने वाले की ज़रूरत बनाओ, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी मजबूरी बनाओ, वो आपसे लेने की कोशिश करे, तभी आप ज़िंदगी में सक्सेस बन सकते हो। तो वो उस बंदे का लैपटॉप बेचने का तरीका आपको कैसे लगा, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।